हमीरपुर में हिम अंचल पेंशनर संघ का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष रमेश भारद्वाज ने की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से संघ के पदाधिकारियों व पेंशनर ने भाग लिया। पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष रमेश भारद्वाज ने बताया कि पेंशनर की मांगों को नहीं पूरा गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल पेंशनर संघ ने अपना 22वां प्रदेश स्तरीय स्थापना दिवस प्रदेशाध्यक्ष रमेश भारद्वाज की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर संघ संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक बीडी शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहीं। प्रदेश महासचिव योगराज शर्मा ने मंच संचालन करते हुए उपस्थित पेंशनर समूह को संघ में चल रही गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। रमेश भारद्वाज ने संघ संस्थापक की उपस्थिति में पेंशनर भवन हॉल में नवनिर्मित मंच का उद्घाटन किया। प्रदेश में जिलों से आए पदाधिकारियों ने संघ गतिविधियों के बारे में अपने विचार रखे। इस अवसर पर संघ की लंबित मांगों जिनमें पेंशन भत्ते को मूल पेंशन में मिलाने, चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त बजट देना, पुराने पेंशन बहाली करना, चिकित्सा भत्ता बढ़ाया जाना आदि पूरी न हो पाने पर पेंशनरों ने सरकार के प्रति आक्रोश जताया है। इस मौके पर सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की गुहार लगाई गई। वहीं संघ के द्विवार्षिक चुनाव की श्रृंखला में अप्रैल में ब्लॉक इकाइयों, मई में जिला इकाइयों व जून में प्रदेश इकाई के चुनाव करवाने, आगामी चुनावों के बाद भविष्य में चुनाव अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने, प्रदेश भर में सदस्य बनाने के कार्य। वहीं संघ के द्विवार्षिक चुनाव की श्रृंखला में अप्रैल में ब्लॉक इकाइयों, मई में जिला इकाइयों व जून में प्रदेश इकाई के चुनाव करवाने, आगामी चुनावों के बाद भविष्य में चुनाव अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने, प्रदेश भर में सदस्य बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा संघ का डाटा डिजिटलाइज करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। समारोह में मुख्य वक्ताओं के रूप में कुल्लू जिला प्रधान प्रताप सिंह चौहान, हमीरपुर जिला प्रधान केसी गौतम, चंबा जिला महासचिव रतन चंद शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान प्रोमिला राणा, मंडी जिला प्रधान लालमन शर्मा, ऊना जिला प्रधान राजकुमार शर्मा, शिमला जिला प्रधान LR मेहता प्रमुख रहे। इसके साथ वित्त सचिव ओमकार कंवर, सलाहकार सतपाल कालिया, बलदेव दास शर्मा, लेखराम कौशल, परशुराम ठाकुर, शंभुराम जसवाल, धर्मदास चौधरी सहित करीब 300 पेंशनरों ने भाग लिया। हर वर्ष 29 मार्च को हिमाचल पेंशनर संघ का ये स्थापना दिवस मनाया जाता है और आज हमारा जो स्थापना दिवस है, इस दिवस में हम वर्ष में हुए संघ की जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में जहां विस्तार से चर्चा की जाती है, सारे प्रदेश से जहां डेलीगेट पहुंचे हैं, चंबा के दूर दराज इलाके से, शिमला से, किन्नौर से और मंडी से, कुल्लू से, सब जगह से जहां लोग पधारे हैं और अपने अपने जिलों की समस्याएं और जो भी पेंशनर्स की समस्याएं उसके बारे में जहां वर्णन किया जा रहा है और प्रयत्न किया जाता है उन समस्याओं का समाधान किया जाए और सरकार के साथ हमारे जो भी मुद्दे हैं वो भी जहां उठाए जाते हैं और हमने जैसे ही ये सरकार बनी थी और एक हमारा शिष्टमंडल तपोवन में मुख्यमंत्री महोदया जी से मिला था, उनको हमने पेंशनर की दो हमारी जो बड़ी विशेष मांगे हैं उनके बारे में अवगत कराया था। एक है हमें 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में 5, 10 और 15% भत्ता मिलता है और उसको हमने बेसिक पेंशन में समायोजित करने के लिए हमने सरकार से ये मुद्दा कई सालों से उठा रखा है। पिछली सरकार ने इसके ऊपर आदेश भी किए थे लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो उस बात के बारे में हमने मुख्यमंत्री महोदय जी को बताया था और उसके बाद जदा कदा जहाँ भी कोई हमें मंच मिला वहाँ हमने सरकार से ये पुनः निवेदन किया। पहला जो जन मंच हुआ ऊना में, उस जन मंच में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार जी वहाँ पधारे थे तो उसमें भी हमने विशेष करके ये दोनों मुद्दे उठाए थे। एक तो जो है हमारा जो 5, 10, 15% का जो भत्ता है इसको बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए और दूसरा बड़े सालों से हमारे पेंशनर्स की
मेडिकल बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हैं हर विभाग में, और जिसके लिए जो है वो करोड़ों रुपए की आवश्यकता है। तो हमने उनसे कहा कि इसको जो है किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। तो विपिन परमार जी ने मुख्यमंत्री जी को वो हमारे सारे पत्र भेजे, और मुझे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो है वो पत्र जो है उनका जवाब भी प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। इसके बाद अभी 5/11/18 को मुख्यमंत्री जी महोदय जी अम्ब में पधारे थे ऊना में, तो वहाँ भी मैंने ये दोनों पत्र फिर दिए और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। इसलिए हमारे पेंशनर्स में इन दोनों मांगों को लेकर के जो है बहुत बड़ा रोष है। हम चाहते हैं सरकार जो है समय रहते हुए कुछ जो है वो करे, अन्यथा हमें जो है वो कुछ ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम जहां देख रहे हैं हाउस में सारे लोगों की भावना, लोग बड़े उत्तेजित हो रहे हैं, लोग कहते हैं धरने रखो और हड़तालें करो, लेकिन यदि सरकार नहीं मानी सीधी उंगलियों से ये नहीं निकलेगा तो टेढ़ी भी उंगलियां करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो लोग 2004 के बाद सर्विस में आए हैं उन बच्चों को जो है वो पेंशन नहीं है, और आज के युग में जब बच्चे अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं होंगे बुढ़ापे में, वो किसका सहारा बनेंगे, वो खुद अपना सहारा नहीं होंगे। तो इसलिए जिस तरीके से वो लोग भी मांग कर रहे हैं, हम हिमाचल पेंशन संघ भी पुरजोर अपील करता है सरकार से कि उन जो 2004 के बाद जो कर्मचारी आए हैं सेवा में, उनको जो है वो पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। और इसी शब्दों के साथ मैं एक बार फिर जो है सारे पेंशनर्स की तरफ से सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि हमारी जो चिर समय से जो मांगे चल रही हैं, इनको यथा संभव जो है इसको जल्दी से निपटाया जाए, अन्यथा जो है फिर नहीं तो हमें और कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।